नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश फिर से और एक नया वीडियो लेके आए बिष्टुदा का साथ। तो बिष्टुदा को आप पहचानते कि दो बार वीडियो बनाए, एक बनाए मॉन्स्टर फिश के ऊपर और एक बनाए कोई कर्प का ऊपर। ठीक, तो और फिर से मॉन्स्टर फिश के ऊपर आज वीडियो बनाऊंगा। तो बताइए बिष्टुदा, आप कैसे है बताइए? अच्छा है। अच्छा बिष्टुदा, बहुत खुश रहे थे आपका चैनल के थ्रू से। बहुत जैसा रिस्पांस भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हाँ, आपका चैनल भी अच्छा ग्रो भी कर रहा है, ये भी अच्छी बात है। चलिए आज देख लेते हैं आप जो स्टॉक मॉन्स्टर के स्टॉक है। आज बहुत वैरायटी स्टिंगरे वगैरह बहुत है। व्यूअर्स लोग बोल रहे हैं कि रिटेल कैटफिश। हाँ हाँ, वो भी है, मिल जाएगा। हाँ हाँ, मिल जाएगा। अभी उसका 6 से 7 इंच का अवेलेबल है। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ, चलिए, तो बढ़िया बात है। जो व्यूअर्स मुझे मैसेज करते है कि आकाश भाई रिटेल कैटफिश के ऊपर वीडियो बनाओ, राहुल उसका नाम है, तो राहुल आज तो मिल ही जाएगा आपका। रेटेल भी है, सोवेलनस कैट भी है। हाँ हाँ, 2-3-4 वैरायटी है कैटफिश का, सब दिखा देगा। ठीक है, ठीक। चलिए तो दोस्तों, बिना स्किप से आज का वीडियो जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, इधर मस्ती होते हैं, सब कुछ होते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बिना स्किप से आज का वीडियो पूरा देखिए। तो बिष्टुदा का ये मॉन्स्टर फिश का ऊपर बिष्टुदा ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बिष्टुदा का ये मॉन्स्टर फिश का घर है, मतलब इधर सब फिश रहते हैं। तो देख पा रहा है कि बहुत आइटम है इधर मॉन्स्टर फिश का ऊपर। कुछ रुईकिन है। हाँ, गोल्ड फिश आइटम में रुईकिन है। रुईकिन है और इधर है कुछ जियोफेगस। और नीच में स्टिंग रे। तो पूछ लेते हैं सबसे पहले जियोफेगस का। हाँ, वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले पूछ लेते हैं अभी। जियोफेगस यहाँ पे बहुत वैरायटी है, जैसे जियोफेगस एल्टी फ्रॉन्स है, रेड हेड है, आप देख सकते हैं एल्विनो हेकेली वगैरह भी है। हाँ, ये सब अभी जो भी है 4 to 5 to 7 inches है। अच्छा। हाँ, तो अभी जो देख रहा है ये मछली का नाम क्या है? ये जियोफेगस एल्विनो हेकेली है। अच्छा अच्छा, अभी इंच क्या है? ओ 7 inch का है, 7 inch का है। 7-7 inch। हाँ अच्छा, ये आपका रेड हेड है। रेड हेड जियोफेगस, रेड हेड। ये पे 4 to 5 वैरायटीज का जियोफेगस है, 3 inch से 7 से 8 inch तक सब साइज अवेलेबल है। और पीछे वो भी एल्विनो है के लिए, छोटा साइज में। हाँ, जियोफेगस बहुत सॉफ्ट मछली है, किसी से माला पीटी वगैरह कुछ नहीं करता है। अच्छा। हाँ, जितना बड़ा होगा उसका रेड कलर और भी डार्क होगा। अच्छा। अभी ये पे हम लोग का नेटिंग का वजह से कलर थोड़ा डाउन है। कितना साइज कितना होगा अभी, मतलब सॉरी कितना साइज होगा फिर? मतलब अप्रोक्स साइज इसका 7 to 8 inch हो जाता है। ओ ठीक है। हाँ, तो फिर आ जाते हैं गोल्डफिश आइटम के ऊपर। रुई भी है ना? हाँ, रुई के नहीं, जंबो साइज में। जंबो साइज का? हाँ, जंबो साइज, मीडियम साइज, सब साइज अवेलेबल है। अभी एक ग्रेड का रुई के नहीं यहाँ पे, अब देख सकते हो क्वालिटी का मछली का। देखिए बहुत सुंदर कलेक्शन है। देखिए कॉपी से मतलब यहाँ पे जंबो 4-5 पीसों का, मीडियम साइज 3-4 पीस पड़ा हुआ है। अब ये स्टॉक का एंड है। अच्छा, एंड में ऐसा कलेक्शन है, सोचिए पहला कैसा था, इससे भी और भी अच्छा था। इंच अभी क्या हो जाएगा? जंबो साइज का इंच होगा 5 to 6 inches, और जो मीडियम साइज का है वो आपका अप्रोक्स 3 to 5 to 4 inches है। ये मछली का नाम क्या है? ये पांडा ओरेंडा है। पांडा ओरेंडा है। ये मछली का अभी इंच क्या है? ये आपका 4.5 inch है। अच्छा, महीना क्या हुआ, एज क्या हुआ, उम्र? ये पकड़ के चलिए 1 साल का है। 1 साल का। हाँ। अच्छा, नीचे है कुछ लंग फिश। हाँ, ये लास्ट बार भी आप लोग को दिखाया था, छोटा साइज में था। अच्छा, इस बार बहुत बड़ा साइज में आया हुआ है। ये मार्बल लंग है, ये मछली ज़्यादा मूवमेंट करता नहीं है, जब खाना देने के टाइम तभी, नहीं तो पूरा दिन पड़ा ही रहता है ऐसा। ये आपका 12 inch के करीब है। 12 inch के? हाँ, करीब। हाँ, 12 inch तो मोड़ा। अच्छा,
ये ऐसा मछली है कि बिना पानी का वह 1.5 से 2 महीने रह सकता है। कहाँ से आते हैं मतलब? इसे अफ्रीका का है। अफ्रीका का? हाँ, ये अफ्रीका का मछली है, लंग फिश अफ्रीका का होता है। इसका पैर होता है, आप देख सकते हो। हाँ एकदम। इधर है स्टिंग रे। हाँ, यहाँ पे दो वैरायटी का स्टिंग रे अभी। अच्छा, ये है ब्लैक डायमंड, आप देख सकते हो कलर इसका। देखिए दोस्तों क्या कलर है। हाँ, ये काला कलर में व्हाइट व्हाइट स्पॉट, इसको ब्लैक डायमंड बोलता है। ब्लैक डायमंड। हाँ। और इसका बाजू में ही ये है हाइब्रिड स्टिंग रे। हाइब्रिड क्यों है? हाइब्रिड क्यों बोलते हैं? हाइब्रिड बोलने का मतलब है आपका, देखिए इसका जो पैटर्न है ना बॉडी का, इस पैटर्न का भी इस लोग का नाम होता है। अच्छा। हाँ, जिसका जैसा पैटर्न उसका ऊपर ऐसा नाम। यार रेंज बताइए। अभी जो ब्लैक डायमंड है उसका प्राइस अप्रॉक्स आपका साइज होगा 8 to 9 inches। अच्छा। और जो हाइब्रिड है इसका 6 inches। अभी ये 4 pieces पर? हाँ, 4 pieces पड़ा हुआ है। पड़ा हुआ। हाँ हाँ, एक दो तीन। हाँ, तो पीसेस अभी है तो फटाफट ऑर्डर करके आप लोग। अब बहुत था पहले तो निकल गया है। हाँ, बहुत सुंदर मछली है, जिसका जो पसंद है वो ऑर्डर कर दीजिए फटाफट। और इधर कुछ हाँ रेड स्पॉटेड शिवरम में। रेड स्पॉटेड शिवरम। हाँ, इसका साइज़ अप्रोक्स पकड़ लिए 8 to 9 inches है। 8 to 9 inches। हाँ, आप क्वालिटी देख सकते हैं इसका। देखिए दोस्तों रेड स्पॉटेड सेवरल है। हाँ, और ये भी है ना? हाँ, हाँ रेड स्पॉट सेवरल है। और ये भी जो मछली देख रहे हो ना, ये भी एक एग्जॉटिक मछली है। नाम क्या है इसका? नाम है मीना रेम्बो। क्या नाम है? मीना रेम्बो। मीना रेम्बो। मीना रेम्बो। हाँ, अब देख सकते हो कलर इसका। और पीछे 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 जो ब्लैक कलर के उसका नाम है उवारू। हाँ 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 उवारू। उवारू का मतलब इंच क्या है? इसका भी 8 to 9 inches। अच्छा, आप प्राइस क्यों नहीं बोलते भैया? देखिए अभी प्राइस मेनली क्या बोल रहा है ना, अभी रिटेल होलसेल दोनों अलग हो जाता है। अच्छा। अभी यहाँ पे एक तो हम प्राइस बोल दिया तो कस्टमर लोग सोचता है भैया आप वहाँ पे तो ये प्राइस बोले थे, अभी फिर से प्राइस क्यों चेंज करना है। अच्छा। देखिए दोनों का प्राइस अलग होता है हर टाइम, इसीलिए बहुत प्रॉब्लम होती है। प्राइस हम लोग नहीं बताते, किसी कोई कस्टमर इंटरेस्टेड रहता है तो लोग को हम डायरेक्ट बताते हैं होलसेल का प्राइस पड़ता है, रिटेल का प्राइस पड़ता है। हाँ, ये मेरा एकदम शौक का रखा हुआ है, बहुत छोटा से रखा हुआ है, इसका सेल में नहीं है। और वो वाला स्ट्राइप वाला वो उसको रॉटकेल शिवरम है, वो भी एक शिवरम है। इससे बोलिए वो भी एक शिवरम का क्वालिटी है। रॉटकेल शिवरम। रॉटकेल शिवरम। रॉटकेल शिवरम। हाँ, ये भी देख सकते हो, इसका ये डॉलर है, आप नॉर्मल डॉलर देख चुके हो, इसको 5 band dollar बोलते हैं। हाँ, 5 band dollar। इसका बॉडी में देखिए स्ट्राइप है, 5 stripe स्ट्राइप होगा इसके, इसका नाम है 5 band dollar। हाँ, यहाँ पे जितना भी मछली है सब इम्पोर्टेड मछली हम लोग के पास रहता है एग्जॉटिक में। आप कैसे मेंटेनेंस कैसे करते हैं आप? ये सब मछली ना मतलब ऐसा भी सब बहुत ज़्यादा मेंटेन कुछ होता नहीं है, ड्राई फ्रूट का मछली है, सब ड्राई फ्रूट खाता है। अभी एक दिन दो दिन बस पानी चेंज करने से ही होता है, और दिन में एक दो टाइम खाना देना है। ये लोग कोई मॉन्स्टर जैसा आपका प्रॉन वगैरह नहीं खाता है, ये लोग ड्राई फ्रूट का ऊपर है पूरा ड्राई फ्रूट। हाँ, ड्राई फ्रूट मतलब आपका जैसा खाना बहुत बढ़िया है, हिकारी का बेस्ट। ओ, आप हिकारी खाते हैं? हाँ, पूरा हिकारी। हाँ, इधर है कुछ पिकॉक बास बड़ा साइज का। हाँ, बड़ा पिकॉक बास है। पिकॉक बास। और ये वाला का नाम रेड टेल जाइंट गुरामी। रेड टेल जाइंट गुरामी। हाँ, एक गुरामी का जाइंट साइज जाइंट में पड़ता है ये, जितना बड़ा होगा फुल जैसे रेड देख सकते हो ना, फुल रेड हो जाएगा इसका कलर, ब्राउनिश हो जाएगा। हाँ,
ये सामने वाला मोनोकुलस है, इसका अप्रोक्स साइज है 12 इंच। हाँ, अब पीछे वाला का जो है ये अभी स्पाइडर कैलबेरी 13-14 इंच इसका साइज है। पीकॉक का ग्रुप में ही है स्पाइडर। हाँ, स्पाइडर कैलबेरी। क्लाउन नाइफ। हाँ, अमेजोन मेसिंग का मछली नहीं भैया, ये अमेजोन का नहीं है, इंडियन ही है। अच्छा, हाँ मतलब मॉन्स्टर। हाँ, मॉन्स्टर में पड़ता है एकदम। और उधर ये बड़ा साइज का रोवर। हाँ, वो आपका एल्विनो सिल्वर है, एल्विनो सिल्वर रेड आई। कितना इंच है मछली का ये? अभी सही 20-22 इंच अप्रोक्स। 20-22। हाँ, इसका प्राइस का अंदाज थोड़ा दे देंगे अभी आपको? पकड़ लीजिए, इसका 16-18 हज़ार का अंदर होगा इसका प्राइस। अच्छा, अच्छा। हाँ, इसका छोटा भी अवेलेबल है 7.5-8 इंच का अंदर। वो वाला का प्राइस अभी क्या चल रहा है? वो वाला प्राइस आपका पकड़ लीजिए अभी 5.5-6 हज़ार का अंदर। ठीक है, और हाँ। नीचे वाला इसका खुद का नाम हमको नहीं पता है। अच्छा, अच्छा। ये आया था हम लोग के पास। अच्छा। इसका हमको नाम खुद को नहीं पता है। जो पता नहीं है वो पता नहीं। नहीं, हाँ सीधा बात है, सीधा बात। तो हाँ ठीक है, ये आया था पूरा ब्लैकिश में मेरा पास, जब आप एक खाना वाना मेंटेनेंस के लिए इसका कलर इतना अच्छा आ गया। अच्छा, इतना अच्छा। हाँ ठीक है, और यह फ्लैक्टेल है। फ्लैक्टेल? हाँ, रेड फ्लैक्टेल है, फ्लैक्टेल है। ये आपका 5.5 इंच का भी है, 4 इंच का भी है। अच्छा। इसका साइज है 5.5 इंच। अब बाकी जो छोटा है उसका प्राइस 4.5 इंच का अंदर है। 4.5 इंच। और नीचे ये आपका पाइक है। पाइक? ये भी पाइक, जिंगू पाइक है इसका नाम है। जिंगू पाइक? जिंगू पाइक। हाँ, ये जितना बड़ा होगा उतना गोल्डन कलर होगा। मतलब बड़ा होगा वो गोल्डन, गोल्डन कलर होगा। हाँ, ये ब्लैकिश है? नहीं नहीं, ये ब्लैकिश नहीं है, ये हाइडिंग प्लेस के लिए ऐसा कलर है। हाँ, डर जाते हैं। हाँ हाँ, ये ब्लैक हो जाता है। अरे थोड़ा इसका तो प्राइस का अंदाज दीजिए भैया। देखिए, रेड पैक का अप्रोक्स प्राइस पड़ेगा आपका 4000 का अंदर पड़ जाता है। 4000 का अंदर? हाँ। और ये वाला का नाम क्या है बताइए? ये आपका रेड फ्लैक्टेल है। रेड फ्लैक्टेल? हाँ, वो तो बताइए। हाँ, और छोटा बड़ा है दो साइज। और भी मछली है इसमें, पाइप के अंदर घुसा हुआ है। अभी नई वैरायटी है, दिखा रहे हैं आपको। वो मार्बल नाइफ है, वो हर टाइम हाइडिंग प्लेस में रहता है ना, तो इसलिए जल्दी घुस जा रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिखाने के लिए। हाँ, वो घुस गया, पीछे घुस गया वो। हाँ, आ देख सकते हो, देख लीजिए, पाइप में घुस गया ठीक है। ऊपर भी दिखाना है, ओरिजिनल पिराना भी है। ओरिजिनल पिराना? ओरिजिनल पिराना। अच्छा ठीक है। इसका साइज है अप्रोक्स 7 इंच का अंदर, ओरिजिनल पिराना है। अब नॉर्मल पाकू नहीं है, ओरिजिनल पिराना ही है। पॉन्ड में करा खाते हैं ना? नहीं, इसको लाइफ फीड देते हैं हम। लाइफ फीड? हाँ। और उसका बाद ये है आपका डोवी। डोवी? डोवी ये भी मॉन्स्टर में पड़ता है, बहुत डेंजरस मछली है। आप देख सकते हो दोनों का पार्टीशन में रखा हुआ है। हाँ, नहीं तो खोल देने से हालत दोनों का खराब। ये शवेल नोज कैट है भैया। हाँ, वो तो देखिए ना, वो तो उस साइड में। हाँ, पानी का हालत थोड़ा खराब है यहाँ का। राहुल भाई, आप देख लीजिए आपका कैटफिश, देखिए रेड कैटफिश। अभी तो पानी का हालत खराब है, तो इसलिए दिखाना। इसका अप्रोक्स साइज है 8 इंच का भी है, 10 इंच का भी है यहाँ पे। हाँ, ये लोग इतना खाता है ना, इसलिए पानी भी इतना गंदा करता है। हाँ, थोड़ा अंदर दीजिए राहुल भाई के लिए। भैया देखिए, यहाँ पे 2-4 वैरायटी का मतलब साइज़ का है ना, तो अभी साइज़ के ऊपर डिपेंड करो आपको राहुल भाई का कौन सा साइज़ चाहिए। अच्छा। उसका बाद ही हो सकता है। हाँ, अब ये भी दिखा दो, ये भी 15 इंच का है, सोवेल नोज कैट है 15 इंच का। हाँ, सोवेल नोज कैट फिश है, कैट फिश में पड़ता है। अच्छा। ये अप्रोक्स साइज़ पकड़ लीजिए, लास्ट साइज़ हो जाता है, कोई कोई 4 फीट तक भी होता है। हाँ, इधर सोवेल नोज है 3 पीसेस। हाँ, 3 पीस पड़ा हुआ है। कैटफिश 4-5 पीस होगा। हाँ हाँ। और सवेल नोज का मतलब इंच क्या है? ये अभी इसका साइज है 14-15 इंच। तो इधर कुछ
हाँ भैया पीकॉक बाज ये, और 7.5 से 8 इंच का अंदर है। अरे आप देख सकते हैं ये स्नूक है, ये और भी थोड़ा बड़ा होगा ना उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, पूरा रेड हो जाएगा। हाँ आप पीछे में भी देख सकते हो रेड मछली है, और पाइक है, रेड पाइक, बहुत एक्सपेंसिव मछली है। तो अभी का प्राइस मतलब अभी का इंच क्या है? अभी पिकॉक बास यहाँ पे 7 to 8 इंच है। अच्छा। ठीक है, और आपका जो स्नूक है रेड स्नूक, इसका अप्रोक्स साइज़ है अभी 6 इंचेस। अच्छा। हाँ और पीछे रेड पाइक जो घूम रहा है उसका अप्रोक्स साइज़ है आपका 10 इंच से 11 इंच के अंदर। यहाँ पे जितना भी मछली है सब प्रॉन खाने वाला, ये सब एक मॉन्स्टर ही है। तो इधर है कुछ कोई वैरायटी, लास्ट टाइम दिखाए थे कोई आप लोग को, अभी आज फीडिंग दिखाने वाले आप लोग को। देखिए दोस्तों क्या सुंदर लग रहा है टैंक में, देखिए लास्ट टाइम हम लोग को बोल में हम लोग दिखाया था। हाँ हाँ ठीक, ये बगल वाला टैंक में भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखा ही था बहुत मॉन्स्टर का ऊपर जो कलेक्शन है, मॉन्स्टर फिश का ऊपर जो कलेक्शन है दादा दिखाए। तो दादा का कांटेक्ट नंबर पूछ लेते हैं, दादा कांटेक्ट नंबर बताइए। 7595967792 ये नंबर पे व्हाट्सअप भी है, किसी को कोई रिक्वायरमेंट या कोई जानकारी चाहिए या किसी को बाहर में मछली लेना है, ऑल ओवर इंडिया भी शिपिंग पॉसिबल है, ये नंबर में कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके ठीक है। तो दोस्तों दादा का जो बिजनेस है और थोड़ा बढ़ा दीजिए पूरा ऑल ओवर इंडिया में दादा बिजनेस। मेरा बिजनेस बनने से पहले हर कोई ये चैनल को सब्सक्राइब करो, पहला बात है, क्योंकि हर रोज़ बहुत खटता है आकाश भाई, हर रोज़ एक नया नया वीडियो आता है, तो पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके रखिए, अच्छा लगे नहीं कर ले रहा, हाँ नहीं लगे तो नहीं करिए। हर रोज आप लोग को नया नया वीडियो मिलता रहता है मछली का ऊपर, डॉग का ऊपर, इगुआनास वैरायटी बहुत का ऊपर, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दादा का भी थोड़ा देख लीजिए, दादा का जो बिजनेस है और थोड़ा बढ़ा दीजिए, और दादा का मतलब क्या बोलते हैं चैनल पूरा इंडिया में कर दीजिए, ठीक है बिजनेस का। तो मेरे तरफ से शुक्रिया है दादा का, मतलब दादा का जो बिजनेस है और बढ़ेगा, मैं गोटका ऊपर भरसा करती हूँ, तो इसलिए बोला कि दादा का और थोड़ा बिजनेस बढ़ा दीजिए। तुम्हारा भी बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, देखो सबको मिलके चलना चाहिए, सीधा बात है। हाँ। कोई एक सोच के नहीं चले चले अभी मेरा बढ़ गया चल हो गया, हर कोई एक साथ उठना चाहिए, ये तो यही असली बात है एकदम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो अच्छा नहीं लगे तो वीडियो को डिसलाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर करके रख दीजिए, क्योंकि रोज़ मैं वीडियो अपलोड करूँगा इस चैनल में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रख दीजिए। कौन सा फीस आज का आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और कौन सा फीस स्पेशल है कमेंट करके बताइए, आपका कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेटेड करती है। अच्छा कमेंट, खराब कमेंट, सब कमेंट करो आप लोग, मेरे तरफ से ऑलवेज प्यार है आप सभी के लिए, ठीक है। तो बाय।